अस्सलाम वालेकुम। आज मुमताज़ रेसिपी में मैं आपको सिरके वाली प्याज बनाना बता रही हूँ, जो अक्सर हम होटल या ढाबे पर खाते हैं तंदूरी चिकन के साथ में, या बहुत से होटल में ऐसे भी खाने के साथ में देते हैं, तो मैं वो आपको बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने दो मीडियम प्याज है, जिसे मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट की हूँ, और ये ज़्यादा पतली नहीं ऐसी होनी चाहिए, जिस तरीके से हम उसके लिए यूज़ करते हैं सलाद के लिए, उस तरीके से कट करना है आपने। और ये मीडियम छोटी प्याज मैंने ली हूँ, ये अच्छी लगती है, क्योंकि बड़ी जब हम काट के डालते हैं तो वो कभी हम पूरी नहीं खा पाते हैं, वो फिर ख़राब हो जाती है वापस, उसको हम सिरके में नहीं डाल सकते, इसलिए आप मीडियम लेंगे तो ज़्यादा अच्छी है। और ये 10 से 12 हरी मिर्च, मुझे हैलोपिनो मिर्ची नहीं मिली और ना वो अचार वाली मिर्ची मिली, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, अगर आपको मिल जाए तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये चुकंदर, लाल गाजर, शलजम है जो, ये देखो इस तरीके से मैंने उसको कट की हूँ, ज्यादा बारीक नहीं काटना है, बस इतना कि बस इसमें हमको कलर चाहिए। 1/4 कप शक्कर है, 1/3 कप सिरका है, और ये गरम मसाला है, 8 से 10 काली मिर्च है, 1 जो है तो बादियान के फूल है, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और ये 4 से 5 लौंग। ये थोड़ा डालने से सिरके का जो अचार होती है बहुत अच्छी बनती है। और ये मैंने 4 कप पानी लूंगी, अभी मैं आपको बताकर 4 कप पानी लेती हूँ। 1, 2, 3, ये देखिए ये 4 कप मैंने पानी लिया, आप 2 कप से भी बना सकते हैं, मैंने 4 कप लिया। 4 कप पानी लेंगे, उसमें जो हमने गरम मसाला साबित लिए हैं वो डाल दें, सिरका और ये शक्कर। अब इसको हम एक जोश आने देंगे, पानी में अच्छा जोश आ गया है, अभी इसमें हम ये चुकंदर डाल देंगे। चुकंदर डालने के बाद में खूब अच्छा लाल शलजम डालने पर अच्छा जोश आ गया, अब इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब हम इसमें प्याज वगैरह डालेंगे। पानी हमारा सिरके का पानी ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसमें प्याज डाल देंगे। आप इसमें गाजर मूली भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से इसमें हम डाल देंगे, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इसमें जो हमने गरम मसाले डाले थे वो निकाल देंगे। क्योंकि हमें सिर्फ इसकी थोड़ी सी खुशबू चाहिए। इस चुकंदर को वापस इसी में हम डाल देंगे। अभी इसमें हम ये पानी डाल देंगे। ये देखें दोनों जार में मैंने, लेकिन एक बात और ध्यान से आप समझ के लें, आपको कांच का ही जार लेना है, प्लास्टिक के जार में आप नहीं रखेंगे, और इसको आपने इस तरीके से बनाने के बाद में 24 घंटे रखना है इसी तरीके से। थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाएगा, आप ढक्कन लगा के इसको रख दें, और फिर कल इसे आप इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।